नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाए, प्रवीण तोगड़िया का भाजपा को आवाहन। शौक पूरे करने के लिए अपनी बेटी को बेचा, पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत का मामला, आरोपी गिरफ्तार। और राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति ना हो, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। अब खबरें विस्तार से। संपूर्ण महाराष्ट्र में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर के कारण माहौल गरमाया हुआ है। राज्य में भाजपा उसी चीज का समर्थन करती है, यह अच्छी बात है, लेकिन दो तरफा रुख न अपनाते हुए भाजपा सबसे पहले भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाए, उसके बाद ही महाराष्ट्र में आंदोलन करे, ऐसे तीखे शब्दों में विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भाजपा पर प्रहार किया। देश में जो भोंगा हटाने की मुहिम चली है, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भोंगे आज के नहीं हैं, बहुत वर्षों से हैं। और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तब भी भोंगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रात को 10 बजे के बाद और सूर्योदय तक कोई भोंगा नहीं बज सकता है, मानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए सभी राज्य सरकार बाध्य है। मैं अपने मेरे लंबे समय के साथी ऐसे भाजपा के बंधुओं को विनंती करूंगा कि आपकी जब सरकार थी तब तो आपने भोंगे नहीं हटाए, अब भोंगो हटाने का समर्थन करते हो, अच्छी बात है। तब अच्छा काम नहीं किया, अब अच्छा काम करने की इच्छा हुई, वह भी अच्छी बात है। पर तो सभी भाजपा के बंधुओं को कहूँगा कि सबसे पहले देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वह राज्यों में विनंती करके भोंगे आप हटवा दीजिए। महाराष्ट्र में आंदोलन चालू रखिए, परंतु मध्य प्रदेश में भोंगा नहीं हटेगा। और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, गुजरात में भोंगे नहीं हटेंगे, और महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, भोंगे माने लाउडस्पीकर देश के लोगों के लिए, यह तो उचित नहीं है। दूसरा मैं सुझाव दूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो केंद्र सरकार को प्रत्येक डीएम, कलेक्टर और एसपी को भोंगा हटाने का आदेश देने का अधिकार है। तो मेरे साथी, और मैं नाम नहीं दूंगा, पर आजकल हिंदुत्व का थोड़ा मुझसे भी ज़्यादा कूदकर बात करते हैं, तो मुझे आनंद आया कि पहले मैं अकेला करता था, अब सब करने लगे हैं। तो आप केंद्र सरकार से 48 घंटे में लाउडस्पीकर हटाने का आदेश डीएम, कलेक्टर, एसपी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिलवा दीजिए, तो भंगों का प्रश्न पूरा हो जाएगा। भाजपा की सरकार है तब लाउडस्पीकर हटाने की बात नहीं करेंगे, और दूसरों की सरकार है तब करेंगे, ये बुरा लगता है, किसी भी सरकार में करेंगे। अपने निजी शौक को पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी को मात्र 70,000 रुपए में बेचने का एक बेहद ही आश्चर्यजनक मामला पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। अपने निजी शौक और शराब के व्यसन को पूरा करने के लिए एक दंपति ने अपनी ही बेटी को मात्र 70,000 में बेचने का एक बेहद ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्कर्ष दहीवाले और उसकी पत्नी नागपुर में रोजगार मिलने के दृष्टिकोण से आए थे और यहाँ बस गए। आरोपी शराब पीने का शौकीन था और अपने शराब की लत और अपनी निजी शौक को पूरा करने के उद्देश्य से उसने उषा सहारे नामक मध्यस्थी के माध्यम से उमरेट के एक जरूरतमंद दंपत्ति को 70,000 में अपनी बेटी को बेच दिया।
आरोपी की पत्नी की शिकायत पर ये मामला सामने आया। रानी दुर्गावती चौका मध्ये हे दोन जोडपे राहतात, उत्कर्ष दहीवले आणि त्याची पत्नी भूमेश्वरी दहीवले। रोजगार मिळावा या यांनी आलेले आहेत ते नागपूरमध्ये, तर थोडा दारुड्या वृत्तीचा आहे जो फिर्यादी त्याची पत्नीच आहे, तर त्यांनी त्याच्या मुलीला विकलेला आहे। आणि जी मीडिएटर आहे उषा सहारे नावाची, तर ती एका अनाथाश्रमामध्ये, खाजगी अनाथाश्रम आहे ते, त्याच्यामध्ये काम करते। तर तिने समोरच्यांना ज्यांना विकले, तर ते उमरेडमधलं दाम्पत्य आहेत, ते गरजू होते। तर आता आमच्या तपासामध्ये सध्या दोन आरोपी जे आहेत तर ते रिमांडवरती आहेत, आणि आणखीन तपासामध्ये काही आरोपी जर समोर आले तर त्यांना अटक होईल। आता प्राथमिक चौकशीमध्ये आम्हाला 70,000 समजली आहे माहिती, की 70,000 विकलेली आहे। तर आरोपींनी त्या 70,000 काही वस्तू वगैरे घेतलेल्या आहेत, तर त्या आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। सर, जे घेणारे आहेत आता, तर त्यांना 14 मूलबाळ नाही आहे काही, तर आता त्यांचा किती सहभाग आहे, त्यांना कशी माहिती दिली आरोपींनी मीडिएटरनी, तर त्याचे ते तपासामधून निष्पन्न होईल की त्यांचा गुन्ह्यात कितपत सहभाग आहे। तर फिर्यादी ही पीडित मुलीची आई आहे, आणि तिचं म्हणणं होतं की तिच्या पतीनीच म्हणजे तिला धमकून जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिला विकायला हे केलं आहे, आरोपीचंच याच्यामध्ये सहभाग आहे। संदेश म्हणजे बघा, आता हे या केसमध्ये आरोपीनी पैसे घेऊन वस्तू घेतल्या आहेत, म्हणजे इकडे बाहेर फिरायला जाणं हे करणं, तर म्हणजे जे लाईफस्टाईल आहे, जीवनशैली आहे, तर ती कुठंतरी बाकीचे जगतात म्हणून आपण पण तसंच जगायला पाहिजे। व्यसन सर्वात महत्त्वाचं तर व्यसन आहे, त्याला व्यसन आहे, व्यसनामुळेच त्यांनी मुलगीसुद्धा विक्रीला काढलेली आहे। तर हे सांगेल की जास्त हाव न केलेली बरी, किंवा व्यसनांपासून दूर राहिलेलं बरं। समजा मुलींसोबत काही जरी होत असेल तर म्हणजे पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार द्यावी। आता ही महिला पुढे आली, हिने तक्रार दिली, त्याच्यावरती तपास सुरू आहे। जर का महिला पुढे नाही आल्या, तर समजा आम्ही कुठे तपास केला असता किंवा माहिती मिळाली असती, तर त्याच्यामुळे हे आवश्यक आहे की सतर्क राहणं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, वही 70,000 से जो उसने सामान लिया था उसे भी जब्त कर लिया है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज। महाराष्ट्र में जहां मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब इस मामले में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही आगे बात करते हुए वे बोले कि राज ठाकरे के वक्तव्य का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम चीज के लिए आंदोलन भी करेंगे, ऐसा भी उन्होंने इस दरमियान स्पष्ट किया। राष्ट्रवादीमध्ये नाराज आहेत, काय शिवसेनेमध्ये बरेच आमदार नाराज आहेत, शिवसैनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भावनाही आहे की आपण बीजेपीसोबत जायला हवं होतं, किंवा आतासुद्धा वेळ गेलेली नाही, आपण बीजेपीसोबत जायला हवं अशा पद्धतीचं अंतर्मन जे आहे ते अनेक त्यांच्या आमदारांचं खासदारांचं आहे, त्यामुळं शिवसेनेचे बरेचसे जे आमदार आहे ते ॲब्सेंट राहतील आणि आम्हाला पुढे 2.5 सरकार चालवण्याची संधी मिळेल। राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला तुमचा विरोध आहे का, आणि भाजप या संदर्भात काही बोलत नाही, उलट त्याचं समर्थन दिसतंय मतदारांना? भाजपची भूमिका जी असेल ती असेल, परंतु माझ्या पक्षाची भूमिका जी आहे ती राज ठाकरेच्या भूमिकेला आमचा विरोध आहे। त्यांनी भूंगे लावायचे असतील तर लावावेत, पण ते भूंगे मंजूरचे भूंगे काढावे या भूमिकेला आमचा विरोध आहे। बाळासाहेब ठाकरे यांचाही विरोध होता, आणि आपल्यामध्ये धर्माधर्मामध्ये वाद निर्माण करून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला चॅलेंज देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो करू नये, असं माझं या संबंधाचं मत आहे। तुम्ही म्हणता की राज ठाकरेंच्या भूमिकेला विरोध आहे, दुसरीकडे तुम्ही ज्याच्यासोबत केंद्रात सत्तेत आहेत ते मात्र अप्रत्यक्ष याचं समर्थन करत आहेत। त्यांनी याचं समर्थन केलेलं नाही आहे कधी, बीजेपीने अशा पद्धतीची भूमिका कधी घेतलेली नाही आहे। भुंगे काढा वगैरे अशा पद्धतीची भूमिका आहे त्यांची, त्यांना आमच्या मंदिरावर भुंगे असावेत अशी भूमिका त्यांची असेल, ज्यांना भुंगे लावायचे असतील त्यांनी लावावेत, परंतु बीजेपीनेसुद्धा अशा पद्धतीची भूमिका कधी घेतली नाही। आणि माननीय नरेंद्र मोदींची जी भूमिका आहे ती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास अशी आहे, त्यामुळं सर्वांची साथ मला मिळाली पाहिजे ही भूमिका त्यांची असल्यामुळं बीजेपीकडून अशा पद्धतीची भूमिका घेतली जाईल अशी शक्यता अजिबात नाही आहे। आणि ही भूमिका स्वतंत्रपणे राज ठाकरेची भूमिका आहे, राज ठाकरेंना राजकारणामध्ये यश मिळत नाही आहे,
त्यामुळे अशा पद्धतीची काही उलट तुलट भूमिका घेणं आणि जे चर्चेमध्ये राहणं ही राज ठाकरे यांची नेहमी सवय आहे आणि त्यामुळे त्याने आता एकदम कठोर हिंदुत्वाची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे जी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विरोधातली भूमिका आहे. मोहन भागवत द्वारा आने वाले 15 सालों में अखंड भारत के वक्तव्य का स्वागत करते हुए विहिप अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अभी उनका वचन देने का समय चला गया है, अब वक्त है उनका वचनों की पूर्ति करने का. वहीं आगे बात करते हुए वे बोले कि मोहन भागवत अखंड भारत की दिशा में कार्य करते हुए सबसे पहले एक महीने में कश्मीर के हिंदुओं को पुनर्स्थापित करे, साथ ही पीओके में संघ की शाखा शुरू करे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया. आज से 10 वर्ष पहले लाउडस्पीकर फिकर भोंगा हटाने की मांग इसी महाराष्ट्र में हमने करवाई थी और पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में यह मांग हमारे द्वारा चल रही है. तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाए और कान के डॉक्टरों का थोड़ा बिजनेस कम हो, क्योंकि लाउडस्पीकर के कारण फिर सुनना कम होगा जाता तो कान के डॉक्टर पर जाना पड़ेगा. दूसरा मुझे बताना है कि हमारे सम्माननीय मोहन जी भागवत ने कहा कि 15 वर्ष में अखंड भारत हो जाएगा. मैं मोहन जी के ये वक्तव्य का स्वागत और समर्थन दोनों करता हूँ. मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोहन जी अपने ही जीवन में अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे. पर मोहन जी को मैं याद दिलाता हूँ कि सत्ता में नहीं है तब वचन देना होता है, सत्ता में है तब करके दिखाना होता है. तो मोहन जी, अब वचन देने का आपका अधिकार पूरा हो गया है, क्योंकि आपके स्वयंसेवकों की सरकार और जिनके पास 15 लाख की सेना है, अब करके दिखाने का समय आया है. इसलिए मेरा सुझाव है कि आपका स्वागत समर्थन करते हुए 7 वर्षों से कश्मीर के हिंदुओं को नहीं बसाया है, 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसाए और मोहन जी भागवत स्वयं कश्मीर घाटी के गांव में कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1 रात रहे, यह अखंड भारत का पहला कदम होगा. दूसरा कदम पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करो और मोहन जी वहाँ जाकर संघ की शाखा लगाओ. प्रवीण तोगड़िया इस शाखा में नमस्ते सदा वत्सल करने के लिए आएगा. मैं स्वयंसेवक के नाते आप सरसंघ चालक हूँ, पर पीओ के में संघ की शाखा लगाओ, मोहन जी सरसंघ चालक सलामी प्रणाम ले और प्रवीण तोगड़िया खड़ा होकर प्रणाम करे, ये पीओ के में करवाओ. दूसरा चरण है, यह 6 महीने में पूरा करो. भारत की 15 लाख की सेना है, रशिया यूक्रेन में घुस सकता है तो पीओके तो हमारे बाप का है, घुसो. और तीसरे चरण में पाकिस्तान पर हमला करो और मोहन जी उस समय टैंक पर बैठकर आप जाओ, आपकी टैंक जहां से गुजरती हो उनको सफाई करने का काम प्रवीण तोगड़िया आपके पीछे करेगा. हिंदू धर्म में संकष्टी गणेश चतुर्थी का काफी अधिक महत्व है. इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने का विधान है. पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. वही आज मंगलवार पड़ने के कारण इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. इस अवसर पर शहर के सबसे प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था. वही मंदिर को भी बड़े आकर्षक तरीके से सजाया गया था. अंगारक चतुर्थी का संयोग तब बनता है जब मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि लगती है. इसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है. भारतीय परंपरा के अनुसार चंद्रमास में 2 बार चतुर्थी पड़ती है. भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ था, इसलिए यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित है. अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं. लेकिन यदि चतुर्थी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं. अंगार की चतुर्थी को विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि अंगार की चतुर्थी पर व्रत करने से साल भर की चतुर्थी तिथि का फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जिसके चलते आज शहर के सुप्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया था. वहीं सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा दिखाई दिया.
कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें थल सेना प्रमुख होंगे। वह जनरल MM नरनवने के 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद उनका स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना के उप प्रमुख है। वह कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अधिकारी होंगे जो थल सेना के प्रमुख होंगे। इससे पहले पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद रेजिमेंट के अधिकारी ही 13 लाख कर्मियों वाली थल सेना के प्रमुख होते रहे। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को अगला सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 30 अप्रैल दोपहर से प्रभावी होगी। खबरों के इस सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। राज्य में धार्मिक मुद्दे को लेकर चल रहे तनावपूर्ण स्थिति में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई राज्य में कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करता है तो हम पूरी तरह से तैयार है। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे समाज में दरार पैदा हो। पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह संगठन हो या व्यक्ति। साथ ही राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हो, ऐसे निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए गए हैं। पुलिस को किसी भी निर्णय की प्रभावशीलता की जांच करनी चाहिए। इस बैठक के बाद हम मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और फिर हम अंतिम निर्णय लेंगे, ऐसा भी गृह मंत्री ने कहा। नहीं, याच्या संदर्भामध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की त्यांनी राज्यामधल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बरोबर एक बैठक घ्यावी। त्या बैठकीमध्ये ज्या ज्या सूचना येतील त्या सूचनांच्या प्रमाणे मग कुठलाही निर्णय घेताना त्याचे दोन्ही बाजूचे परिणाम काय आहेत ते परिणाम तपासून घेऊन मग त्याच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारची भूमिका ठरवावी। एकदा DG-च्या लेवलला, CP-च्या लेवलला ही बैठक झाली की मग आम्ही परत एकदा माननीय मुख्यमंत्र्यांशी या विषयाच्या संदर्भामध्ये बोलू आणि मग त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊ। सध्या परिस्थिती निर्माण झाली भोंग्यांवरून, 3 तारखेनंतर काही अलर्ट वगैरे असा काही धोकाईल अशी काही गोपनीय रिपोर्ट असल्याची एक माहिती पुढे आहे। पोलिसांचा एक गोपनीय रिपोर्ट आहे की 3 तारखेनंतर राज्यातली कायद्याने प्रश्न जो आहे तो तिघळू शकतो। मला तसं काही वाटत नाही, कारण आम्ही पण पूर्ण तयारीमध्ये आहोत आणि कुठल्या प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न
बिघडणार नाही याची आम्ही काळजी घेतो. मुख्यमंत्र्यांनी आता हा जो भोंगा प्रकरण आहे त्याच्यामध्ये दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून कठोर कारवाईचे काही संकेत दिले आहेत का? असं आहे की कुठल्याही वक्तव्यामुळं किंवा कृतीमुळं समाजामध्ये जर तेढ निर्माण होत असेल, अशांतता निर्माण होत असेल, तर अशी कुठलीही कृती ही कारवाईला पात्र ठरते आणि त्याप्रमाणे संबंधितांच्यावर मग ती संघटना असो किंवा व्यक्ती असो त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. एक अशांतता आहे, एक तणाव आहे, देशातही अनेक ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी घडतात आहेत. महाराष्ट्राचा आपला काय आढावा आहे? नाही, आता सगळ्या देशामध्ये एक प्रकारे असं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही घटकांच्याकडून त्या ठिकाणी. शहर में सोमवार को कुछ स्थानों पर यातायात विभाग की गांधीगिरी देखने को मिली. यातायात विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले किशोर चालकों के माता पिता को बुलाया और फूल देकर उनका सत्कार किया. शहर में कई किशोरों और युवा बिना लाइसेंस के डबल और ट्रिपल सीट तेज रफ्तार दोपहिया वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं. आयु कम होने के बाद भी माता पिता उन्हें वाहन चलाने की अनुमति देते हैं. ऐसे में यह लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं. सोमवार को यातायात विभाग ने ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसा. कार्रवाई के दौरान अजनी, सक्करदरा सहित कुछ और स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले किशोरों को पकड़ा गया. इसके बाद उनके माता पिता को यातायात विभाग में बुलाया गया. उन्हें नियमों की जानकारी दी गई. चालान कार्रवाई करने के बाद उनका फूल लेकर सत्कार किया गया. यातायात विभाग की इस पहल से यातायात के नियमों का पालन कराने में मदद होगी, ऐसा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का मानना है. कैमरा पर्सन रोशन बोकरे के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर. नियमित वेतन न मिलने के कारण मंगलवार को शहर के संविधान चौक पर जनहित संघर्ष समिति की ओर से मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी के विरोध में आंदोलन किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी के कर्मचारी उपस्थित थे. बुटीबोरी में स्थित मोरारजी टेक्सटाइल कंपनी में बीते 10 से 12 सालों में कई कर्मचारी कार्यरत है. हालांकि इतने सालों से काम करने के बावजूद भी यहां के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, वहीं उनका वेतन भी बढ़ नहीं रहा है. इसी के विरोध में मंगलवार को जनहित संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे. इस अवसर पर कर्मचारियों का कहना था कि इतने सालों से काम करने के बावजूद भी वो अब तक स्थायी नहीं किए गए हैं. मेरी संगठना है जनहित संघर्ष समिति, और आज उस संगठना के माध्यम से MIDC बुट्टीबोरी में जो कंपनी है मोरारजी टेक्सटाइल, उसके ये तमाम कामगार है जिनके साथ 19 सालों से ज्यादती हो रही थी, जिनका शोषण हो रहा था, उनका पेमेंट बराबर नहीं दिया जा रहा था. और पेमेंट क्या, उनको जो बेसिक है वही बेसिक बराबर नहीं दिया जा रहा. आज की महंगाई को देखते हुए हमारे लोग उतने 8-10 हज़ार कोई मायने नहीं रखते, और जबकि ये ड्यूटी करते हैं. इनका कंपनी से अंतर कम से कम 10-15 किलोमीटर का है. आने जाने के लिए डीजल पेट्रोल लगता है, सारी चीज़ें महंगाई हो गई. अब रहा सवाल कंपनी का, कंपनी को प्रोडक्ट दिया इन्होंने 19 सालों से, और इतना प्रोडक्शन देने के बाद आज इंटरनेशनल लेवल पर इसका मोरारजी का नाम है, मगर मजदूर आज भी अपने हक और अधिकारों से वंचित है. इसलिए ये कामगार करीब करीब 20 दिन से कंपनी के कुछ दिन अंदर किए, इन्हें धक्के मारकर कंपनी ने आंदोलन कर रहे इसलिए बाहर निकाल दिया. आज ये 20 दिनों से पूरे कामगार कंपनी के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी दखल ना कंपनी ने ली और ना प्रशासन ने ली और ना शासन ने ली. ये तो आज का सिर्फ धरना, इसलिए ये धरने पर बैठे रहेंगे उधर. यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है या हमारे मुताबिक हमारे कामगारों के हिसाब से यदि हमारी बातचीत नहीं होगी तो हमारे ये धरना वहाँ शुरू रहेगा मोरारजी के सामने. लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम याद दिला दें आयुक्त को कि जिसकी नियुक्ति जनता के लिए हुई है, तो उसका काम है कि इनका रास्ता निकालना. यदि रास्ता नहीं निकलता है तो कंपनी को हम ताला लगाए बगैर रहेंगे नहीं. तुमचं नाव सांगा, काय आंदोलन आहे तुमचं? माझं नाव सुधा चंदेलकर. इथे आम्ही 20 दिवस झालो आम्ही मोरारजी टेक्सटाईल समोर आम्ही आंदोलन सुरू केलं आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आम्ही मी
इथे 10 वर्ष पूर्ण झाले काम करत आहे, तरी पण त्या कामाचं आम्हाला वेतन बरोबर मिळत नाही आणि आम्हाला आजपर्यंत स्थायी केलेलं नाही आणि आमचा पेमेंट हा 7 ते 10 तारखेपर्यंत व्हायला पाहिजे, तो आमचा पेमेंट हर महिन्याला होत नसून 2-2 महिने वेटिंगवर असून तो पगार केला जातो। तसेच आमच्या चारच मांग आहे की आम्हाला स्थायी करण्यात यावं। दुसरी गोष्ट, आमचे निलंबित झालेले जे व्यक्ती आहे त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावं। आणि तिसरं म्हणजे आमचा पेमेंट टाईमावर करण्यात यावा, 7 ते 10 तारखेपर्यंतच्या आत करण्यात यावा। आणि चौथी गोष्ट म्हणजे आमची बेसिक वाढ करण्यात यावी। इस अवसर पर कर्मचारियों ने नियमित वेतन में वृद्धि और स्थायी करने की मांग की गई। वही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी उन्होंने दिया। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातुश्री पर हनुमान चालीसा पढ़े, अन्यथा मैं ही मातुश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। ये चेतावनी विधायक रवि राणा ने 4 दिन पहले ही दी थी, लेकिन आज फिर रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी। उधर परेशानियां है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए राज्य और मातुश्री पर संकट को दूर करने के लिए मातुश्री पर हनुमान चालीसा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुझ पर जाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। ऐसी बात विधायक हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे सगळ्यांच्या हृदयात असलेली मातोश्री जे बाळासाहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाते आणि ज्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे राहतात, खऱ्या अर्थानं उद्धवजी ठाकरे जेव्हापासून मुख्यमंत्री झाले संपूर्ण महाराष्ट्राला विघ्न लागलेलं आहे, साळेसाती लागलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात संकट महाराष्ट्र वारंवार येत आहे। त्या उद्देशानं उद्धव ठाकरेजींनी मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचायला पाहिजे। त्या ठिकाणी हे संकट मुक्त करण्यासाठी अशा प्रकारचं जर हनुमान चालीसा वाचला संपूर्ण हिंदूला एक चांगला संदेश जाईल आणि कुठेतरी महाराष्ट्र संकट मुक्त होईल। कारण उद्धवजी ठाकरे 2 वर्षापासून मंत्रालयात गेले नाही, शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले नाही, शेतकऱ्याची परिस्थिती कठीण आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, लोडशेडिंग महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, विकासाचं कुठलंही महत्त्वाचं काम महाराष्ट्रामध्ये होत नाही आहे, असे जे विघ्न लागलेले आहे, संकट येत आहे, या संकटातून मुक्तासाठी हनुमान जयंतीच्या शुभ पर्वावर त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचावं अशी मी विनंती केली होती। पण उद्धव ठाकरेजी कोणाच्या दबावामध्ये आहे, का हनुमान चालीसाचं वाचन करत नाही आहे, हे हिंदूंना सगळ्या हिंदूंच्या वतीने त्यांना एक सवाल आहे। आणि मी आता मातोश्री जाण्यासाठी आमचं सगळं पूर्ण प्लॅनिंग चालू आहे, तयारी चालू आहे आणि लवकरच मी मातोश्रीकडे रवाना होणार आहे आणि मातोश्रीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या खऱ्या अर्थानं हे लागलेलं विघ्न आणि साळेसाती संपवण्यासाठी मी मातोश्रीवर लवकरच त्या ठिकाणी हनुमान चालीसाचं वाचन करणार आहे। आणि मला असं वाटते त्या ठिकाणी उद्धवजी ठाकरे मला मातोश्रीमध्ये येण्यासाठी खऱ्या अर्थानं कुठल्याही प्रकारचं बंधन आणतील नाही, कुठल्याही प्रकारचा दबाव आणतील नाही, अशी त्यांच्याकडनं माझी अपेक्षा। राजस्व मंत्री थे तब आप पर 82 एकड़ सरकारी जमीन 12 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री नारायण रानी ने कहा कि मुझ पर ACB या अन्य किसी की भी इंक्वायरी लगाओ, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। वही आगे बात करते हुए वे बोले कि महाविकास अघाड़ी ये एक डाली का पेड़ है और जून तक ये पेड़ निस्तनाबूत हो जाएगा। ऐसे कड़े शब्दों में नारायण रानी ने महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना की। आणि आता मी काल मी जी मुलाखत दिली आमच्या इकडे कोकणात आहे ना, अगदी मे एंडला जूनच्या सुरुवातीला वादळ आहेत, त्यात अशी हलणारी झाडं आहेत ना कांद्यासकट कोसळून पडतात। हे 3 पक्षांचं एक झाड आहे, या फांदीवर मुख्यमंत्री मुख्य कोडावर नाही जाणार आहे का जून महिन्याच्या अगोदर। जय जय महाराष्ट्र। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।